सड़क से लेकर संसद तक मॉब लिंचिंग पर कड़े कानून बनाने की बात हो रही है, लेकिन एक तरफ जहां इसकी डिमांड हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम छपरा के पैगंबरपुर में हैं, जहां के एक युवक नौशाद आलम की यहाँ पर आज सुबह मॉब लिंचिंग में मौत हो गई है। इस गांव के सटे ही दो और लोग भी जो उनके साथ थे, उनकी भी मौत हुई है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ और यहां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में जो गुस्सा है इस घटना को लेकर साफ तौर पर देखा जा सकता है। और यहां हम बात करते हैं कि आखिर क्या वजह रही थी। नौशाद आलम कौन थे, ज़रा उनके बारे में बताइए। नौशाद आलम पैगम्बरपुर के ही रहने वाले, बल्कि मेरा बचपना से मैं भी सियान हुआ वो भी हुआ, हम लोग मिडिल क्लास तक एक साथ पढ़े हैं और मेरा घर यहाँ से 100 गज की दूरी पर है। यहाँ का हर दुख सुख में हम लोग रहते हैं। नौशाद आलम का परिवार भी पृष्ठ जो आता है वो एक बहुत कहीं भी सरपंच वगैरह पंचायतों वगैरह में भी पूछताछ होती थी इस परिवार को। पढ़ा लिखा परिवार लोग है और उसका नेचर कभी ना क्रिमिनल माइंडेड ना कहीं इस परिवार में एको चोरी का कोई घटना चाहे चोर लबाड़ का जो किसी तरह का कोई इस परिवार में किसी तरह का लंचना नहीं है। आज जिस तरीके का आरोप लगाया गया कि मवेशी चोरी करने का आरोप में पीट पीट के मारा गया, क्या लगता है कि कहीं से ये इस तरह के हो सकते हैं? इस तरह का तो ये सिर के ऊपर से जा रहा है, इस तरह का कोई बात नहीं है। दो महादलित परिवार के जो नट परिवार के लड़के हैं वो भी इसी बगल में सटे हुए बगल है, कन्हौली मनोहर पंचायत है लेकिन पैगम्बरपुर के नाम से वो भी जाना जाता है। तो वो जो नट परिवार है वो लोग अपना बिजनेस करता है माल खरीदना और बेचना, उन लोग का पुराना पैसा है। ये तो भाड़ा पर ही इसको लेकर लोग गया था कि गाड़ी लेकर चलो हमको माल लेकर आना है वहाँ से, और यहाँ से करीब दूसरा ही पंचायत है सटे हुए पैगम्बरपुर पंचायत से हट के पिठौरी पंचायत है, नंदलाल टोला है, जहाँ दलित परिवार का 100 घर है हरिजन परिवार, और वहीं इस घटना को अंजाम दिया गया। सुबह में हम लोगों को मालूम हुआ क्योंकि 4:30 भोर में 4:30 यहाँ से गया है, भाड़ा 4:30 तक यहाँ से गया है, और वहाँ हम लोगों को 7 बजे ही हम लोगों के पास सूचना आ गया कि नौशाद की हत्या हो गई और उसके साथ दो और लोग थे, हत्या कर दिए गए। जब हमने प्रशासन थी वहाँ के लोगों से छानबीन किया तो छानबीन से यह पता चला है कि 2 बजे रात को वो आया था चोरी करने के लिए। तो आरोप तो किसी तरह लगाया जा सकता है बचने के लिए। तो मैं अभी तक कोई कार्रवाई इसमें नहीं, इसमें कार्रवाई हुई है, प्रशासन जिला प्रशासन ने आश्वस्त किया है और विश्वास भी है कि जिला प्रशासन इस पर पूरी कार्रवाई भी कर रही है। अभी तक 3 अरेस्ट वहाँ हो चुका है और अरेस्टिंग का माने कार्य वो लोग कर रहा है, धरपकड़ का अपना काम कर रहा है, वो लोग लगा हुआ है। लेकिन हमने यही कहा है कि दोषी जो हैं वो बचना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह का घटना कभी ना हो भविष्य में, जो दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। बिल्कुल, इस मामले में जैसा कि उन्होंने बताया कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और प्रशासन की छापेमारी चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं और इन घटनाओं के पीछे की वजह क्या है। कैमरामैन सनी और जाकिर अली के साथ अमिताभ ओझा, छपरा, News24।